अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन इस बीच पेशी से पहले सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक बार फिर से याचिका डाल दी है और गिरफ्तारी ना होने का आश्वासन मांगा है। केजरीवाल ने आश्वासन मांगा है गिरफ्तारी ना होने का। केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि गिरफ्तारी नहीं होगी और उसी के बाद ही वह ईडी के सामने पेश होंगे। आपको बता दें, केजरीवाल को ईडी 9 बार समन भेज चुकी है। पिछले 8 समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। 9 बार समन भेजा जा चुका है, पिछले 8 समन में केजरीवाल पेश नहीं हुए और इस बार केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट ईडी को पहले निर्देश दे कि गिरफ्तारी नहीं होगी और उसी के बाद ही वह ईडी के सामने पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव का हवाला देते हुए ये कह चुके हैं कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिल रहा है, ईडी बार बार समन भेजकर परेशान कर रही है और इस बार एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि कोर्ट पहले ईडी को यह आदेश दे दे कि गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बाद ही मैं ईडी से बातचीत के लिए तैयार होऊंगा, ईडी के सामने पेश होऊंगा। ईडी के समन पर केजरीवाल का रुख गैर कानूनी है। ईडी का समन बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसे गैर कानूनी बताया गया है। चुनाव प्रचार से रोकने के लिए समन दिया गया है। देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं, उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। राजनीतिक बदले की भावना से समन जो है वो भेजा जा रहा है। शराब घोटाले से एक भी सबूत नहीं मिले हैं, शराब घोटाले से सबूत नहीं मिले हैं, गिरफ्तार करना चाहती है ईडी, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वो कह रहे हैं वो वर्चुअल कभी भी पेश हो सकते हैं, लेकिन जब तक कोर्ट गिरफ्तारी ना करने का आश्वासन नहीं दे देता, तब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं।